नहीं सुनी है तो आप फिर आ गए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान। मैं हमारे पूरा पीएस हदूद बंदलगुड़े में रहने वाला हूँ। ये कई सालों से जो है वहाँ पे एक गुंडागर्दी चल रही है। कब्रिस्तान पे जाने के लिए भी जो है ना उनकी इजाज़त लेना है, मस्जिद में जाने के लिए उनकी इजाज़त लेना है। रास्ते से अगर चल रहे हैं आप तो अगर वो आ रहे हैं तो आप सर झुका लेना। अगर आप सर झुका लिए भी घर के अंदर बैठे हुए तो आपके घरों के सामने से फुल साउंड में नॉइस जो है ना लगाते हुए हारन मारते रात के 1:30 बजे 2 बजे भी जो है ना वहाँ से गुजर। तो इसी सिलसिले में जो है ना फिर मेरे साथ मेरे जो है ना मेरे भतीजे के साथ में हर महल्ले के हर तीसरे शख्स के साथ में ही है, लेकिन हर आदमी जो है ना उनसे डर के कोई जो है ना आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। अब पिछले पहले रमज़ान से जो है ना ये पीछे पड़े हुए हैं। हम तरावी जो है ना तक जाने के लिए जो है ना छोड़ दिए मस्जिद को, दूसरे मस्जिदों का रुख कर रहे हैं। इनका ताल्लुक जो है ना यानी रोडिज़म से है और उनके साथ जो है ना मुखबिर वगैरह है। दूसरी चीज़ और एक बार कहना चाह रहा हूँ, इनका जो है ये लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी पार्टी को भी जो है ना बदनाम कर रहे हैं। क्या नाम है साहब इन लोगों का? ये जो है ना अब मेरे साथ जो सबसे पहले जो हादसा हुआ उसकी पूरा मास्टरमाइंड जो है ना नियाज है, फिर उसका जो है ना भतीजा है जो मस्जिद कमेटी का सदर है। कौन सी मस्जिद? मस्जिद चंदा बीबी बंदलगुड़ा। और दूसरी चीज़ जो है ना फिर उसका और एक भाई का बेटा, 2-3 बेटे हैं, भतीजे हैं, ये पूरे मिलके जो है ना हर आदमी को आने जाने यानी किसी को नहीं बख्शते। नहीं बख्शने का मतलब क्या है? ये लोग क्या है वहाँ के? गुंडे हैं, एक रोडी शीटर है, रोडी शीटर है उनकी, पहले से ऑलरेडी केसेस चल। कौन से पीएस से है रोडी शीटर? कम्युनिटी पूरा पीएस पे है। तो पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे इसके ऊपर? अब उनके ऊपर केसेस भी है लेकिन वो मैनेज कर रहे हैं, उनके पास पैसा है हराम का वो चला रहे हैं। उनकी तरफ जो है ना रहा सवाल, वहाँ पे तकरीबन यानी ऐसे कर दिए और अब से नहीं है ये, तकरीबन इनके पास ये जो है ना बाप दादा से चलते हुए आ रहा है। अब जब कोई ख़त्म होता तो वे दूसरे को तैयार करते, तीसरे को तैयार करते, ये चीज़ सिलसिला यानी वो विरसे में जो है ना रोडिज्म दे के जा रहे हैं तो महल्ले में दबा के रखना चाह रहे हैं। बात तो बहस हुई साहब, और कितने जने मिल के अटैक करें आप? क्या नाम है उनके? आज जो है ना वहाँ से मेरा भांजा जो आज रोज़ा इफ्तार करने के लिए घर पे आया हुआ था और मेरे दूसरे भी जो है ना भतीजे थे, सब हम लोग इफ्तार करने के बाद में जो है ना मस्जिद को नमाज के लिए निकल रहे थे, तो फिर वहाँ से उन लोगों की गैंग जो है ना गुजरी। वो देखना क्यों देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, उतने क्या नाम है साहब उनके? क्या नाम है ये? अभी नाम जो बोला सबसे पहले मास्टरमाइंड उन्हें नियाज है, फिर उसका जो है ना जो मस्जिद कमेटी का सदर है अथहर है उसका नाम, उसका भाई है और एक असगर है, फिर उसके जो है ना भाई है नवाज, उसके जो है ना 2-3 लड़के हैं, उसके नामा नहीं मालूम मेरे को, जलाल है, फैसल है और जो फाजिल है, हाँ ये मैं तो नाम नहीं मालूम लेकिन बच्चों को पहचान। सर ये कितने लोग मिलके अटैक करे आप लोग? वो अटैक तो जो है ना वहाँ पे उनके जो है ना अब यहाँ से जो है ना वो लोग करने के बाद में मेरा भांजा वहाँ से गुजर रहा था तो उसको रोक के जो है ना वो लोग इधर से क्यों जा रहा क्या देख रहा। कितने लोग थे सर? जब उस पर तो हमको तिल्ला मिली तो जब हम गए तक तकरीबन जो है ना 20-25 लोग थे। लोग कैसे मारे आप? उनके पास से घरों में से जो है ना वही राट थे और जो है ना पता नहीं पंच थे और है और वो जो स्टिक जो है ना लेके चलते वो स्टिक से जो है ना मारे। बताया जाता है कि अभी कोई लड़का है उनका नाम क्या है जो क्रिटिकल कंडीशन में? मेरा भतीजा है। क्या नाम है जो है ना वो क्रिटिकल है? उन्हें मोहम्मद यासीन, उसको तकरीबन बीच में लेके ग्रेनेड भी डाले और तीनों तरफ से ये पूरे जो है ना तीन तरफ से उसके सर में पूरा उसको जो है ना पूरा बाल बना के जो है ना उसको वो सर्जरी के हिसाब में स्टिचेस दिए। तो कितने लोग जख्मी हुए सब आपके पास? अब मैं हूँ, मेरा भतीजा है, ये भांजे है, ये मेरे जो ना भांजे के दोस्त है, ये भी इफ्तार करने के लिए इनके साथ में आए हुए थे, तो ये तकरीबन हम कुल 5 आदमी जो है ना जख्मी है हम लोग। उनकी तरफ से कोई जख्मी है क्या? ये इत्तला नहीं है मेरे को क्योंकि हम लोग वहाँ पुलिस में कंप्लेंट गए। कौन सा पुलिस में? पूरा पीएस है। इससे पहले भी कभी का आप लोग इसकी कंप्लेंट कराए थे क्या? इससे पहले जो है ना कंप्लेंट करा रही वो जो है ना मेरा भतीजे के साथ में इससे पहले भी। वो किस्सा क्या है, मेरा एक भाई माजूर है, अब्दुल कदीर, मोहम्मद कदीर माजूर है,
तो उसको जो है ना यानी जानवर के जैसा ट्रीट कर रहे थे, तो उससे रहा नहीं गया क्योंकि वो उसको चाचा होना और उम्र रसीदा है, तो उसको बोला उन्हें कि जो है ना क्यों जो है ना सता रही माजूर।